गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 हम रीड कर रहे थे, आगे स्टार्ट करते हैं। द गेंट बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री। जो गोलित था राक्षस, वो बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। हिज आईज बिकेम रेड इन एंगर, और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। द ग्राउंड शुक एज ही वॉक्ड टुवार्ड्स डेविड, जब वो डेविड के तरफ चल रहा था तो इतना वो विशाल था कि जमीन हिल रही थी। सो इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी, वो कहता है अच्छा इज़राइल वालों ने मेरे खिलाफ़ एक लड़के को लड़ने के लिए भेजा है। आई विल कट ऑफ योर हेड, मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, और तुम्हारे शरीर बॉडी को मैं जंगली जानवरों को खिला दूंगा। ही क्राइड आउट इन अ ग्रेट रेज, वो गुस्से से चिल्लाया। बट लेकिन डेविड वॉज नो कावर्ड, लेकिन डेविड भी कायर नहीं था। ही रिमेम्बर्ड गॉड एंड देन रिप्लाइड, उसने ईश्वर को याद किया और उत्तर दिया। इवन अ लिटिल बॉय ऑफ इज़राइल इज ब्रेवर देन यू, क्या कहा कि इज़राइल का एक बच्चा भी तुमसे ज़्यादा बहादुर होता है। इट्स ट्रू, ये सच है, दैट आई एम स्टिल अ बॉय, कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। बट लेकिन आई विल कट ऑफ योर हेड, लेकिन मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, और तुम्हारे शरीर के को जंगली जानवरों के सामने फेंक दूंगा। व्हेन गोलित हर्ड दीज वर्ड्स, जब गोलित ने इन शब्दों को सुना, ही टुक आउट हिज ह्यूज सोर्ड एंड रैन टुवर्ड्स डेविड, तो वो अपनी बड़ी सी विशाल तलवार को निकाला और डेविड की तरफ दौड़ा। बट लेकिन डेविड क्विकली टुक अ स्टोन आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, लेकिन डेविड ने तुरंत क्या किया, अपने बैग से स्टोन को निकाला और अपनी गुलेल पर उसको चढ़ाया। ही रेल्ड द स्लिंग अबव हिज हेड एंड द स्टोन फ्लू थ्रू द एयर, स्लिंग को गुलेल को अपने सिर से ऊपर ले गया और हवा में उसको उछाला। इट हिट गोलित बिटवीन हिज आईज एंड फेल डाउन अ लाउड क्राई, इससे क्या हुआ, गोलित हवा में उसने गुलेल को उछाल दिया, डेविड के गोलित के उस सिर पे लगा और गोलित नीचे गिर गया तेज आवाज करते हुए। डेविड रन फॉरवर्ड्स एंड स्नैच द शॉर्ड फ्रॉम गोलित्स हैंड्स, डेविड क्या किया, दौड़कर उसके पास गया, गोलित के पास गया और उसके हाथ से तलवार ले लिया। देन ही कट ऑफ गेंट्स हेड, और उसने उसके राक्षस के सिर को काट लिया विद द बिग सॉर्ड, उस बड़े तलवार से। एंड कैरिड इट विद हिम, और अपने साथ ले आया। When the Philistines saw the dead gun, they were so panicked that they ran away from the battlefield. जब फिलिपींस के लोगों ने देखा कि गोलित मर गया है तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और युद्ध के मैदान से भाग गए। When the king of Israel heard the news, जब इज़राइल के राजा ने यह समाचार सुना, he was very pleased, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। At once He sent for David, उन्होंने डेविड को लाने के लिए बुलाया, उनको सैनिकों को भेजा कि डेविड को ले आओ। डेविड केम टू द रॉयल कोर्ट, कोर्ट में डेविड को लाया गया। एंड बोर्ड बिफोर द किंग्स, और राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। देन ही डेविड आता है और राजा के सामने अपने सिर को झुकाता है। Then he took the gent's head out of his bag and put it at the king's feet. फिर डेविड क्या करता है, अपने बैग से गोलित के कटे हुए सिर को निकालता है और राजा के पैरों में रख देता है। The king embraced David and made him sit beside him. राजा बहुत खुश था, आपको पता है,
तो इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, राजा डेविड को गले लगा लेता और अपने बगल में बैठा देता है। द पीपल ऑफ इज़राइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, इज़राइल के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, बिकॉज क्योंकि डेविड सेव्ड देम फ्रॉम गोलित, क्योंकि डेविड ने गोलित से उनकी रक्षा की थी। द किंग केप्ट हिज प्रोमिस, राजा ने अपना वादा पूरा किया। ही मैरिड हिज डॉटर टू डेविड, उसने अपनी बेटी का विवाह डेविड के साथ कर दिया। एंड गेव हिम हाफ ऑफ हिज किंगडम, और आधा राज्य दे दिया। एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, और बहुत सारे सोना और गहने दे दिया। डेविड लिव हैप्पली, खुशी खुशी डेविड रहने लगा विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, और राज्य पे अपना शासन करने लगा। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 कंप्लीट। होमवर्क आपके ही है कि आपको इसको रीड करेंगे विद हिंदी, कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से पूछेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।